हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कटोज किचन में, वेयर वी कुक विद लव और जहां बनती है हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज। कटोज किचन में आज मैं लेके आया हूं बनाना शेक की रेसिपी। ये रेसिपी स्पेशली जिम लवर्स के लिए है और साथ ही उन लोगों के लिए जो कि वेट गेन करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। इसके लिए हमें चाहिए एक केला, एक गिलास दूध, साथ ही चाहिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले मैंने लिए हैं मखाने, साथ में लिए हैं थोड़े से बादाम, किशमिश, इसके साथ ही मैंने लिए हैं 8 से 10 काजू, थोड़े से खजूर, साथ ही मैंने लिए हैं कुछ अखरोट। तो ये हैं हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिन्हें यूज करके आज हम बनाएंगे बनाना शेक। चलिए चलते हैं अब इसकी मेकिंग की ओर। सबसे पहले मैंने मिक्सी का बड़ा जार ले लिया है। इसके बाद जो हमने केला लिया था उसको हम कट कर लेंगे। केला एक काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको वेट गेन करना है, जिन्हें मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है और केला होता भी काफ़ी सस्ता है, इसलिए आप केले को ज़रूर खाएँ। तो इस तरह से हम केले को छोटे छोटे पीसेस में कट करके यहाँ पर जार में ऐड कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके बाद यहाँ पे मैं एक गिलास दूध का ऐड कर दूंगा। यहाँ जो मैंने दूध लिया है वो फुल क्रीम दूध है। साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पे खजूर, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश और मखाने। तो जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो सभी यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको मिक्सी में चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बनाना शेक है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक गिलास में। अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पे किसी भी तरह की कोई शुगर ऐड नहीं की है। मैंने शुगर के लिए यहाँ पे खजूर और किशमिश ऐड किए हैं। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप यहाँ पे हनी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की कतरन ऐड कर देंगे और इसी के साथ हमारा जो बनाना शेक है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा ये कितनी ईजी रेसिपी है। तो आप अपने घर पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।